पहाड़िया दिख रहा है ये, करीबन 200 किलोमीटर पीछे से लिया गया, इंडिया से, मधुबनी से लिया गया बॉर्डर साइड से। वेल हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। अभी हमें फेनुआ ही के लोकेशन पर और पूजा पंडाल से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। ये कुछ अपने यूट्यूब के साथ फैमिली मिल गए हैं जो कि अभी सब्सक्राइबर बनेंगे। और पीछे गणपति बप्पा का मूर्ति है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तीन चार दिन बारिश होने के कारण आज जो है सो मेला फाइनली लगा है और अच्छा से भीड़ जमा है और 27 तक मेला है ना। तो फाइनली ये कुछ पंडाल का भी वो आगे दिखाते हैं और आगे। गाइस ये जो आपको पहाड़िया दिख रहा है ये करीबन 200 किलोमीटर पीछे से लिया गया, इंडिया से, मधुबनी से लिया गया बॉर्डर साइड से। एक्चुअली में क्या है ना गाइस कि 200 किलोमीटर है यहाँ से, 280 किलोमीटर के आसपास। और कितना दूर है, जब बारिश होता है मौसम क्लियर रहता है, बादल फ्रेश रहता है, मानसून ठीक रहता है, तो ये पहाड़िया दिखता है। ऑब्वियसली बारिश के टाइम ही ये अच्छा से दिखता है, इंडिया से दिख जाता है। 200 किलोमीटर दूर पहाड़ यहाँ से, हिमालय पर्वत का श्रृंखला है ये, नेपाल है, नेपाल बॉर्डर पे हम भी है। और ये कुछ ऐसा व्यू है, देखिए आप पर्वत दिख रहा है, जहाँ दूर दूर तक हम देख रहे हैं पर्वत दिख रहा है और मोबाइल में भी अच्छा कैप्चर आ पा रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने मेला अभी घूम ही लिया है और आपको पहाड़ी का श्रृंखला दिखाए हैं और इधर झूला वगैरह लगा हुआ है। कोरोना के बाद सिंपल सा मेला लगा है, लॉकडाउन के बाद GDP गिर गया है यार बिहार का और पूरे इंडिया का, सब जगह का ऐसा ही हाल है। तो मेला थोड़ा अच्छा ही मतलब लगा है, देख लीजिए कुछ ऐसा है, भीड़ भाड़ आपको दिखाए हैं। और उधर भी पीछे मेला लगा हुआ है, उधर देख सकते हैं। और तो गाइस मिलते हैं फिर कभी किसी और ट्रेन जर्नी या लाइफस्टाइल ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, टेल देन, टाटा बाय।